आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस रबी सीजन में चने के उत्पादन में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि खुले बाजार में कीमतें अभी तक स्थिर बनी हुई हैं। पिछले दो महीने से चने की कीमत 4600 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। वही खरीद केंद्र पर रेट 5230 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कीमत में अंतर के चलते अब किसान खरीदी केंद्र की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ आवक भी बढ़ रही है। इसके पहले किसान कम भाव होने के बावजूद उपज खुले बाजार में लेकर जाते थे। दरअसल खरीद केंद्रों के उलझाने वाले कायदे होते हैं, जिसकी वजह से किसानों को MSP पर उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के परभणी और हिंगोली जिले में अब तक 70,000 क्विंटल चने की खरीद हो चुकी है। इन दोनों जिलों में 17 खरीदी केंद्र के माध्यम से चने की खरीद शुरू की हो गई है। इन सभी केंद्रों पर 15,778 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 5,325 किसानों ने 77,127 क्विंटल चना बेचा है। मार्केटिंग टीम ने किसानों को 8 करोड़ रुपए के बिल का भुगतान कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ जिलों में किसान खुले बाजार में उपज लेकर जा रहे हैं। सीजन की शुरुआत में किसानों के बीच खरीद केंद्र को लेकर कई सारे अधिक भ्रांतियाँ थीं। इस साल केंद्रों की संख्या बढ़ी है और मार्केटिंग टीम के माध्यम से जागरूकता भी पैदा की गई है। बाजार में रेट 4600 रुपये प्रति क्विंटल तक है, जबकि खरीद केंद्र पर 5230 रुपये रेट तय है। कीमत में 600 रुपये तक का अंतर है, इसलिए किसानों की संख्या खरीद केंद्र पर ज़्यादा बढ़ी है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आवक में कमी आते ही बाजार में चने की कीमतें बढ़ेंगी। यदि किसान सोयाबीन और कपास के साथ किए गए प्रयोग अब चने में करें तो उन्हें MSP से ज़्यादा रेट मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए कुछ समय की ज़रूरत है। पहले किसानों में एक गलत धारणा थी कि खरीद केंद्र पर अपनी उपज बेचने के बाद उन्हें नियमित भुगतान नहीं मिलता, लेकिन इस साल किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा बिक्री के बाद राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।